कार्यालय पर उपखंड अधिकारी राकेश मीणा ने रीट परीक्षा को लेकर सभी समाजों के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। राज्य सरकार के फैसले को पूरा करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने कमर कस ली है। उपखंड अधिकारी राकेश मीणा ने सभी से उम्मीद की कि वे अपनी ओर से जितना सहयोग करें उतना बेहतर है। बैठक में रोटी बैंक के निदेशक आरसी यादव ने कहा कि वे 3000 परीक्षार्थियों के लिए भोजन तथा 500 परीक्षार्थियों के रहने की व्यवस्था करेंगे। रोटी बैंक की गाड़ियां कल से दिन रात परीक्षार्थियों की सेवा के लिए गश्त करेंगे। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार रीट पर एग्जाम को लेकर जो भी विद्यार्थी बांसूर में आएंगे, नौ जगह पर जिन भी विद्यार्थियों का सेंटर है, उन विद्यार्थियों के लिए रुकने और खाने की व्यवस्था के लिए आज समाज के जितने भी लोग हैं और जिन्होंने समाज से भी लोगों ने जो व्यवस्थाएँ करी हैं, उन व्यवस्थाओं को जायजा लेने के लिए तथा किस तरह की व्यवस्थाएँ रहेंगी, उन व्यवस्थाओं को लेकर आज एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अलग अलग डिफेंस अकेडमी, स्कूल तथा सामाजिक कार्यक्रम वाले जो भवन हैं उनको लेकर बैठक की गई। सभी ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं और जो रुकने की कितनी लोगों के पास उनके स्ट्रेंथ है और उनके पास खाने की क्या व्यवस्था है उनको लेकर आपस में चर्चा की गई है। रविवार को रीट का एग्ज़ाम आयोजित हो रहा है, जिसको लेकर बानसूर प्रशासन की तरफ से और हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। इसमें बानसूर रोटी बैंक की तरफ से 3000 लोगों को खाना तैयार करवाया गया है, क्योंकि बानसूर में 9 सेंटर हैं और इनमें करीबन 3200 छात्र उपस्थित हो रहे हैं और दूर दराज से आते हैं, और प्रथम पारी में एग्ज़ाम होने के कारण कुछ बच्चे 25 तारीख को यानी शनिवार को शाम को आ जाएंगे, तो उनकी रहने की खाने की व्यवस्था रोटी बैंक की तरफ से निःशुल्क की गई है और छात्र और छात्राओं के लिए अलग से व्यवस्था है। रोटी बैंक की कार्यालय में लगभग 100 बालिकाओं की अलग से व्यवस्था है।